नमस्कार दोस्तों, टेक वर्ल्ड राही चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूजर हैं और SBI का क्रेडिट कार्ड यूजर हैं तो आपको लिए ये वीडियो बना रहा हूं। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, आपको कोई भी ज़रूरत होती है, अपने क्रेडिट कार्ड का बिल देखना हुआ, स्टेटमेंट देखना हो, कुछ भी करना हुआ, तो आप जो है SBI कार्ड ऐप ओपन करते हैं, IVR कनेक्ट करते हैं या फिर कस्टमर केयर कनेक्ट करते हैं, तो आज की वीडियो देखने के बाद आप जो है ये सब भूल जाएंगे, आप खुद से ही सारा काम कर सकते हैं। देखो, अगर आप SBI क्रेडिट कार्ड यूजर हैं तो सर SBIcard.com पर आपको आ जाना है। तो ये है वेबसाइट SBIcard.com, यहाँ से आप चाहें तो अप्लाई भी कर सकते हैं अगर आप नए यूजर हैं तो, नहीं तो आप बेनिफिट में आ जाइए। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया गया है इजी चैनल एक्सेस, ठीक है, इजी एक्सेस चैनल, तो आपको जो है यहाँ पे क्लिक करना रहेगा। अब आपको जो है इजी तरीके से कितने चैनल एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा है डिजिटल प्लेटफॉर्म है, SBI कार्ड ऑनलाइन है, गो मोबाइल है, मिस्ड कॉल सर्विस है, सिंपली SMS है, योनो SBI है, इतने इजी चैनल में आते हैं। तो अगर मिस्ड कॉल सर्विस की अगर हम यहाँ बात करें तो लर्न मोर पर क्लिक करेंगे तो रिडायरेक्ट करके हमें सर्विस पेज पर ले जाएगा। अब ये हमें दिखाएगा कि हम मिस कॉल करके अपने रजिस्टर नंबर से क्या क्या चीज़ें हम हासिल कर सकते हैं, क्या क्या जानकारी ले सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है यहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी। अपने क्रेडिट कार्ड का बैलेंस, अवेलेबल बैलेंस जानने के लिए आपको जो है इस नंबर पे आपको कॉल करना रहेगा। अपने रजिस्टर नंबर से करेंगे तो फ़ोन उठेगा नहीं, ये बिजी होकर कट जाएगा, लेकिन आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका इतना बैलेंस है। नंबर आपको दिखाई रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है अवेलेबल क्रेडिट लिमिट, कैश लिमिट, ठीक है, तो ये आपको यहाँ से इस नंबर से देख सकते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट समरी के लिए आप जो है ये नंबर डायल कर सकते हैं। लास्ट पेमेंट स्टेटस के लिए आप जो है ये नंबर डायल कर सकते हैं। तो आप ये सारे नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए इस नाम से SBI कार्ड करके, तो वो जो है आपके लिए आसान रहेगा। इसके बाद क्या होगा कि आपको जो है कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप उसमें आप जो है क्लिक कीजिए, आप एक बार मिस कॉल कीजिए, आपको सारी सुविधाएँ चालू हो जाएंगी। आप उसको जो है मिस कॉल करते ही आपको मैसेज द्वारा सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगला आपको ऑप्शन आता है डिजिटल प्लेटफॉर्म। डिजिटल प्लेटफॉर्म में हम देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे जो है आपका आएगा मोबाइल ऐप, वेबसाइट और रिला, इसके बारे में बताया गया है। अगर आपको ये सब करना है तो आप जो है इस तरह चीज़ें कर सकते हैं। आप ये पे यहाँ पे दिया गया है, जैसे अकाउंट समरी, डिटेल आउटस्टैंडिंग देखना हो तो वेबसाइट से भी देख सकते हैं, मोबाइल ऐप से देख सकते हैं, इला से भी देख सकते हैं। रिवॉर्ड कैटलॉग आपको इला में नहीं मिलेगा, बस एक ही चीज़ नहीं मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें आपको सब में मिलेगा। तो अगला ऑप्शन आता है SBI कार्ड ऑनलाइन, उसके बाद गो मोबाइल, उसके बाद आ गया मिस कॉल सर्विस हो गया, सिंपली SMS हो गया, आप SMS करके भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको अगर SMS द्वारा भेजना है तो आप इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कितनी चीज़ें आप जो है SMS करके आप जान सकते हैं। बैलेंस जानना है तो BAL स्पेस अपने कार्ड का रजिस्टर मोबाइल कार्ड का लास्ट 4 डिजिट लिख के मैसेज कर देंगे 5676791 पर, तो आपको SMS आ जाएगा। चाहे वो बैलेंस इंक्वायरी हो, अवेलेबल क्रेडिट लिमिट एंड कैश लिमिट हो, ब्लॉक करना हो या कार्ड की खो गए की रिपोर्ट करना हो, लास्ट पेमेंट स्टेटस हो, रिवॉर्ड पॉइंट समरी हो, सब्सक्रिप्शन एंड ई स्टेटमेंट हो, ई स्टेटमेंट अगर आपको जो है रजिस्टर करना है अगर आपका फिजिकल अभी आता है तो, रिक्वेस्ट फॉर डुप्लीकेट स्टेटमेंट अगर आपको रिक्वेस्ट करना है तो इसका आप कर सकते हैं। तो ये सब आपको जो है एक सिंपल एक SMS भेज के कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है, हम आपको चलते हैं बैक कर लेते हैं, सिंपली SMS हो गया, मिस्ड कॉल सर्विस तो हम देख ही चुके हैं। अगला इजी एक्सेस में आता है गो मोबाइल, उसके बाद आता है SBI कार्ड ऑनलाइन। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं अपने SBI क्रेडिट कार्ड के रजिस्टर मोबाइल नंबर से। इसमें एक और ऑप्शन आता है व्हाट्सएप सर्विस का। व्हाट्सएप सर्विस का अगर हम बात करें तो आपको जो है यहाँ पे नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ, आप ऐसे लिखिए व्हाट्सएप सर्विस SBI कार्ड, ठीक है, SBI कार्ड हम सर्च करेंगे तो ये हमें ले जाएगा व्हाट्सएप कनेक्ट पे। ये आपको जो है मिल गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पे अगर आप ऑफ करना चाहते हैं व्हाट्सएप सर्विस को, तो कस्टमर को आपको क्या करना चाहिए, आपको इस नंबर पर मिस कॉल कर सकते हैं रजिस्टर मोबाइल नंबर से। उसके बाद क्या होगा कि आपका जो व्हाट्सएप है उसमें एक SBI कार्ड का लोगो आ जाएगा, एक मैसेज आ जाएगा जिसमें आपको हाई करना है, उसके बाद मेनू आ जाएगी जो आप देखना चाहते हैं वो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नंबर से नहीं करना चाहते तो और भी तरीके हैं, यहाँ पे आप लॉगिन करके व्हाट्सएप कनेक्ट को सब्सक्राइब करना रहेगा,
अगर आप वेबसाइट्स करना चाहते हैं तो आपको क्लिक हेयर में जाके सब्सक्राइब व्हाट्सअप सर्विस को करना रहेगा। ईला से कर रहे हैं तो आपको लॉगिन सब्सक्राइब व्हाट्सअप सर्विस यहाँ पे। एसएमएस द्वारा करना चाहते हैं तो एसएमएस आप भेज दीजिए कार्ड के लास्ट 4 डिजिट लिख कर। तो ये सारी चीज़ें आप भेज के इन तरीक़ों से आप जो व्हाट्सअप सर्विस को ले सकते हैं जो आपके काम को काफ़ी आसान बनाएंगे। तो अभी आपको ये सब चीज़ें लेने के बाद आपको कहीं कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जो है सेल्फ सर्विस के द्वारा ही सारी चीज़ें कर सकते हैं। और एक जानकारी बता दूँ, हमारे पास बहुत से कस्टमर आते हैं, उनका जो है डोमेस्टिक और ट्रांजेक्शन ब्लॉक होता है, मतलब डिसेबल होता है, उसको ऑन कैसे करें, तो उसके लिए हम आपको यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। हमें एक कोड याद है, हम सर्च कर लेते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद क्या है, ECOMD ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऑन करने का कोड है यहाँ पे। उसके बाद क्या है कि ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको काफ़ी आसानी रहेगी। सारी चीज़ें आप जो है खुद से SMS भेज के आप कर सकते हैं, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। आप अपने ट्रांजेक्शन की लिमिट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब आप उसको सेंड करके ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ से ऑन नहीं कर सकते हैं, बंद करने के लिए आपको जो है वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप पे जाना रहेगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें क्या होता है कि आप जो, आपको पता है कि इस पे क्रेडिट कार्ड में आप जो है ऑन ऑफ कर सकते हैं उसको। तो उसके लिए आपको जो है ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, कैसे करना है, मैनेज कार्ड में जाना है, ट्रांजेक्शन में जाना है, उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट पर। देखो, अगर आप मोबाइल ऐप से कर रहे हैं तो आपको जो है मैनेज कार्ड यूसेज में जाना है, उसके बाद मैनेज कार्ड ट्रांजेक्शन में जाना है, उसके बाद चूज ट्रांजेक्शन में जाना है, टाइप में उसको ऑन ऑफ कर देना है। तो इस प्रकार से मोबाइल ऐप से कर सकते हैं, वेबसाइट से अगर आपको करना है तो इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको SMS भेज के करना है तो आप ECOMD, आप अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को इनेबल करना चाहते हैं तो ECOMD लिखिएगा, स्पेस दीजिएगा, अपने कार्ड के लास्ट 4 डिजिट लिखिए, और उसके बाद जो है आप उसको सेंड कर दीजिए 5 6 7 6 7 9 1 पर। तो उसके बाद जो है आपको वो ऑन कर दिया जाएगा, वहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा और आपको मैसेज आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा चीज़ है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आपको जो है अगर ऑन ऑफ करते हैं इसको तो आपके लिए ठीक है, क्योंकि देखो आपका कार्ड कहीं खो जाता है, अगर आपको उसमें कॉन्टैक्टलेस फीचर यूज है, मतलब इनेबल है, तो आपको वो नुकसान हो सकता है। उसके क्या होगा कि अगर कोई टैप और सर्च करेगा कहीं पे EDC मशीन पर तो आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो आप उससे बचिएगा, मतलब आप जाइए मोबाइल ऐप में मैनेज ट्रांजेक्शन में, अपने सारे ट्रांजेक्शन को बंद रखिए, जिससे आपके फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ही कम रहें, क्योंकि बैंक भी नहीं चाहती कि आपके साथ कोई फ्रॉड हो, क्योंकि लॉस अगर होता है तो कस्टमर को भी बैंक को भी लॉस होता है। तो इस प्रकार से आप जो है इस सेल्फ सर्विस को यूज कर सकते हैं। अगर कोई सवाल है SBI कार्ड से रिलेटेड तो कमेंट कीजिएगा, उसका जरूर जवाब मैं जरूर दूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।